नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश में कोरोना संक्रमण के बीच नीट परीक्षाएं आयोजित करने का विरोध देखने को मिल रहा है। विपक्ष परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहा है। तमिलनाडु विधानसभा सेशन के दौरान भी नीट परीक्षा का विरोध देखने को मिला, जहां डीएमके विधायकों ने अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया। ये तस्वीर तमिलनाडु विधानसभा की है, जहां डीएमके विधायकों ने बैन नीट सेव तमिलनाडु स्टूडेंट्स लिखे मास्क लगाकर विरोध किया। दूसरी तरफ डीएमके पार्टी के सांसदों ने सोमवार सुबह दिल्ली में संसद परिसर में धरना दिया। इस दौरान उन्होंने नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग की। इसमें संघ प्रग सहयोगियों ने भी हिस्सा लिया। डीएमके सांसद गौतम सिगमनी ने न्यूज एजेंसी IANS को बताया कि कोविड-19 के कारण कई छात्र नीट की तैयारी अच्छे से नहीं कर सके। इसके अलावा तमिलनाडु में कई छात्र परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंच सके। बता दें कि रविवार को देश भर में नीट परीक्षा का आयोजन किया गया था। कोरोना वायरस को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए गए थे। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए एग्जाम सेंटर्स की संख्या में इजाफा किया गया। हर रूम में केवल 12 कैंडिडेट्स के बैठने की व्यवस्था की गई थी। बता दें कि कोरोना के चलते ये परीक्षा पहले ही दोबारा टाली जा चुकी है। पहले ये एग्जाम 3 मई को होने थे, फिर इसे 26 जुलाई के लिए टाला गया था। हालांकि 13 सितंबर को परीक्षा संपन्न हो गई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।